भी नहीं है। हमें मैडम का बैग भी चेक करना होगा सर, बस फॉर्मेलिटी है सर। सर इसी बैग में कुछ है, एक बार चेक करके देखता हूँ सर, प्लीज आइए सर। ये आपके बैग में कैसे आया? पता नहीं, अनजाने में गिर गया होगा सर। ऐसे कैसे अनजाने में गिर गया? बैग को चेन से बंद किया गया है, जानबूझकर अंदर डाला गया है। अरे सर आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम चोर हैं। आजकल चोर ऐसे ही डिसेंट कपड़े पहन कर आते हैं सर। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये आपका ही बैग है ना सर, और लिपस्टिक इसी में मिला ना। देखिए सर हमने इतनी सारी चीजें खरीदी हैं तो ये छोटी सी चीज चुराएंगे? ये आपके बैग से मिला तो ठीक है, मैं पैसे दे देता हूँ। तू मुझे चोर बोल रहा है? अरे मैं पैसे दे रहा हूँ ना। पैसों की बात नहीं है सर, चेक करते समय आपके बैग से निकला है तो आपने चोरी की है। आप ऐसा चोरी कैसे कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा। ठीक है प्रिया चलो चलते हैं। भिखारी की औलाद। प्रिया आप तमीज से बात कीजिए। प्रिया ये तुम क्या बोल रही हो? इसने मुझे चोर कहा। प्रिया क्या हुआ है तुम्हें? ये देख देख कमीने, इतने पैसे तूने जिंदगी में कभी देखे है क्या? मैं चोरी करूंगी, ये ले ले तू। मैंने कुछ नहीं किया सर, इन्होंने चोरी की है और ऊपर से मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। प्रिया चलो यहाँ से। प्रिया छोड़ो ये सब सर, ये चोरी करके जा रहे थे। प्रिया हे प्रिया, पापा आए हैं, आओ चलकर मिलते हैं। मैं नहीं आ रही। इतने दिनों के बाद आए हैं ना प्रिया, मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। तुम ही मिल लो। हमेशा तो इस टाइम पर घर पर होते हैं, देखो वो आ गए। अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? वो हम शॉपिंग चले गए थे। ओ। अब जाकर आपका गुस्सा कम हुआ है क्या? मैं अभी भी गुस्से में हूं। वो तो दिख ही रहा है पापा, आप बहुत गुस्से में हो। ठीक है बाला, I really miss this बेटा। Me too पापा, me too। ठीक है चलिए घर चलते हैं। मैं सिर्फ तुमसे ही मिलने आया था। पापा आप हमारे घर आएंगे सोचकर प्रिया इंतजार कर रही है। नो, मुझे उससे मिलने की कोई इच्छा नहीं। छोड़िए ना, बच्चे हैं, अनजाने में सब कुछ हुआ, आपको उसे माफ कर देना चाहिए। आप उसे नहीं जानती हो। जितना जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ। प्लीज। ठीक है, आप दोनों बैठ कर बात कीजिए, मैं जाकर प्रिया से मिलकर आती हूँ। ए प्रिया, तुम्हारे ससुर जी हमारे घर पर आए हुए हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रहने दो माँ, वो मुझसे नाराज हैं। उनका मुझसे मिलने का मन होता तो यहाँ मिलने आते। ठीक है जाने दो, वो बड़े हैं, क्या हुआ जो नाराज हो गए? लेकिन तुम दोनों को उनसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं माँ, वो मुझसे जब भी मिलते हैं ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे मुझे दुख होता है। वैसे प्रॉब्लम क्या है मुझे तो बताओ, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। आप छोड़िए, जाने दीजिए। ठीक है लेकिन बताओ। जाने दीजिए ना। प्रिया, मेरे बेटे के यूएस चले जाने के बाद वो मुझे छोड़कर बहुत दूर चला गया है, सोचकर मैं कई बार दुखी हुई हूँ। लेकिन तुम लोगों के आने के बाद मेरा सारा दुख खत्म हो गया। तुम मुझे क्या मानती हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। बाला, मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े घर की लड़कियां देख रखी थी, बट तुमने कहा कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो, मान गया। मेरे सारे सपने टूट गए। मैंने उस लड़की के परिवार से मिलने की बात की तो तुमने कहा कि वो अनाथ है। पापा वो बात नहीं।
चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, सब कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ सकता मैं। इसलिए उस लड़की के बारे में, उसके परिवार के बारे में थोड़ी छानबीन की मैंने। बाला, उसकी माँ की तरह अगर उसे भी कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे बेटा? ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। प्लीज प्लीज बाला, तुम हमेशा खुश रहो बाला, बस मेरी यही एक इच्छा है ना, प्लीज अंडरस्टैंड मी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई। ये फोटोज नहीं होते तो मुझे ये भी नहीं पता चलता वो दिखती कैसी थी। ये मेरी माँ की डायरीज हैं, इन्हें पढ़कर ही उनके बारे में जाना है मैंने। कभी ना कभी मैं जरूर पढ़ूंगी, यही सोचकर उन्होंने शायद लिखा था। मेरे साथ नहीं है फिर भी वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी, उनकी दुनिया बहुत खुशहाल थी, लेकिन वो बहुत दिन नहीं चला। उनकी प्रेगनेंसी के बाद वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगी थी, वो पागल होने लगी थी। खिलखिलाती सी लड़की बाद में शांत हो गई थी, अचानक गुस्सा करने लगी थी, डरने लगी थी। वो कहती थी उन्हें कुछ दिखता है, सिर्फ उन्हें आवाजें आने लगी जो किसी को सुनाई नहीं देती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए पागलपन बढ़ता गया। लोगों ने कहा उनकी प्रेगनेंसी ही इन सब का कारण है। बच्चा गिराने की भी कोशिश की लेकिन मेरी माँ नहीं मानी। सबने भगवान से बहुत प्रार्थना की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डिलीवरी डेट भी नजदीक आने लगी तो वो और भी पागल हो गए, कोई नजदीक नहीं आता था उनके। आखिर में मेरे पापा भी माँ को छोड़कर चले गए। मैं पैदा हुई और मेरी माँ मर गई। कुछ दिन तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पाला, उसके बाद आश्रम भेज दिया। लेकिन तुम्हारी माँ को ऐसा हुआ क्यों था? लोग तो यही कहते थे कि वो प्रेग्नेंट हुई थी इसलिए पागल हो गई। जब तुम प्रेग्नेंट होगी तो तुम भी पागल हो जाओगी, इस बात से तुम्हारे ससुर जी डर रहे हैं। ये भी एक वजह है। तो दूसरी वजह क्या है? मैं बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा हुई थी, ये बात मुझे बड़े होने के बाद पता चली। कैसे कॉम्प्लिकेशंस? मेरे बच्चे की थैली में प्रॉब्लम है, वो ठीक से फॉर्म नहीं हुई है। मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती इसका दुख मनाऊं, या फिर मेरी माँ की तरह पागल नहीं होंगी इस बात की खुशी मनाऊं, समझ नहीं आता। रोना मत बेटा, चुप हो जा। I'm sorry, तुम्हारे पापा से मुझे मिलना चाहिए था। I'm sorry. उस दुकान पर मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया मुझे नहीं पता, पर मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। कल मैं वहां जाकर उनसे सॉरी कह दूंगी। तुम बहुत परेशान हो गए थे, मैंने देखा था। I'm sorry. तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है प्रिया। मैं जानती हूं, I'm sorry. Thank you.
माँ? यहाँ क्या कर रही हो माँ? तुमसे मिलने का मन किया। ये क्या, तुम परेशान क्यों लग रही हो? उसने मुझे चोर कहा। किसने कहा ऐसा? सब कहते हैं। तुमने चोरी की थी क्या? अच्छी तरह मुझे सोचकर बताओ। नहीं, चोरी नहीं की। एक बार सोचकर देखो प्रिया, किसने चोरी की? मुझसे वो रंग चुराए बिना नहीं रहा गया। कैसा लगा था चोरी करते समय? उस समय अंदर एक बिजली सी दौड़ रही थी। ठीक है, आओ मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ। अपनी डायरी में आपने एक जगह के बारे में लिखा है, वही है क्या? कहाँ है वो जगह? यही है। मुझे नहीं दिख रही। अपनी आंखें बंद करो। क्या सच में तुम्हें उस जगह पर चलना है? ये सब मेरी तरह है, इन्हें भी बांधकर रखा करते थे और अकेला छोड़ दिया करते थे। जो भी हुआ वो इन्हें कुछ याद नहीं, बस इसी जगह ने इनको खुशी और शांति दी है। यहाँ रहना इन्हें बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाना चाहता, और बस इसीलिए मैं भी यही रह गई। Thank you.
तुम भी शांति से आखिर तक यहाँ पर रह सकते हो। प्रिया, तुम सपना नहीं देख रही हो, ये जगह सच में है। बाला, कल मैंने एक सपना देखा। बहुत बड़ा जंगल था, मैं उसमें चली जा रही थी, माँ भी साथ थी। वहाँ बहुत सारी लेडीज थी पर सबकी सब फॉरेनर्स थी। बीच में एक लेक भी था, उसके ऊपर एक पेड़ हवा में तैर रहा था। मैंने आज तक ऐसी जगह कभी नहीं देखी। एक मिनट के लिए वो सपना था या सच था यही समझ नहीं आ रहा था मुझे। मेरी माँ के अलावा वहाँ सब कुछ नया सा लग रहा था, बहुत रियल लग रहा था। लेकिन ए, मैं अकेले बोली जा रही हूँ, तुम बस सो रहे हो। तो तुम ऐसा करोगी क्या मेरे साथ? हाँ मैं करूंगी। प्रिया, मैं कल रात ठीक से नहीं सोया, मुझे परेशान मत करो। उठो जाओ। प्रिया, तुम जानबूझकर बर्तनों को ऐसे गिरा क्यों रही हो? मैंने सॉरी कहा ना तुमसे? ए, मैंने नहीं गिराया, अपने आप नीचे गिर गए। जब देखो तब मुझ पे चिल्लाते रहता है। मैंने कहा ना मैंने नहीं किया। सुबह से इतना काम कर रही हूँ मैं, लेकिन खुद तो बस सो ही जा रहा है। इस घर में सब काम मुझे अकेले करना पड़ता है, थोड़ी सी हेल्प कर देगा तो क्या जाएगा उसका? जब देखो तब काम 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 कहकर। प्रिया, अगर मैं वहां आया तो बहुत बुरा होगा, याद रखना। ए, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। बाला, बाला, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? तुम्हें भी सुनाई दिया क्या, जैसे कोई नीचे गिरा हो? नहीं देवी, कुछ भी नीचे नहीं गिरा, तुम सो जाओ। सुनाई नहीं दिया मुझे? सुनाई दिया मुझे? सुनाई दिया मुझे? सुनाई दिया मुझे? सुनाई दिया? क्या हुआ माँ जी, आप कब आई? क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। क्या हुआ माँ, आपकी आंखें नम क्यों हैं? वो क्या है ना प्रिया, मैंने एक प्यारी सोना नाम की मछली पाली हुई थी, वो गायब हो गई है। ओह, वो मछली सोना मर गई? मैंने कहा वो गायब हो गई है, और तुम मर गई ऐसा क्यों कह रही हो? आपने कहा गायब हो गई, सॉरी,
क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था। तुमने जो लिपस्टिक लगा रखी है उसे देखकर मुझे मेरे सोना की याद आ रही है। लिपस्टिक? मैंने तो कोई लिपस्टिक नहीं लगाई। क्या हुआ प्रिया, उसमें क्या ढूंढ रही हो? रात को ठीक से सोई थी ना? तुम रूम पर आई थी तो मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। तुमने लिपस्टिक लगा रखी थी क्या? दुकान पे जो देखी थी उसी कलर की लग रही थी। लिपस्टिक? मैंने तो नहीं लगाई। नींद में देखा था तो जाने दो। तुम किसी सपने के बारे में बात कर रही थी ना? हाँ सपना, वो मैं ऐसे ही बोल रही थी। आजकल मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते ना, इसलिए चेक कर रही थी मैं। झूठी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिना बोले क्यों चली गई थी? पूरे अपार्टमेंट में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं लिखकर गई थी ना कहां जा रही हूं। क्या बात है, अचानक तुम मंदिर चली गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही चली गई। नहीं, तुम काफी दिनों से अजीब सी रहने लगी हो, मुझे कोई बात बताती ही नहीं हो। बोलो ना, मुझे बताने में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। नजर मिलाकर बात भी नहीं कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं होश में ही हूं, ठीक है? इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? थोड़ा आराम से चलाओ। ब्रेक नहीं लग रहा है। मजाक मत करो भैया, सच में मैंने कुछ नहीं किया भैया, ब्रेक सच में नहीं लग रहे हैं। जब देखो तब मजाक सोचता है तुम्हें। कितना डर गई थी मैं। अरे दत्त जाओ, छोटी सी बात पर डर रही हो। ठीक है चलो, कहीं शॉपिंग पर चलते हैं। प्रिया, 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 क्या हुआ? चलो। ए, प्रिया। बात मत करो, बाहर चलते हैं, चलो। बाहर क्यों चलना है? वहां पर क्या है प्रिया? तुम्हें वहां कुछ नहीं दिख रहा है क्या?
जाओ बाला। प्रिया। बाला मत जाओ। प्रिया, रुको प्रिया मैं देखो। बाला रुक जाओ। बाला वहाँ खड़े मत रहो। बाला, बाला जल्दी आओ। बाला यहाँ आओ जल्दी। प्रिया यहाँ कुछ नहीं है। तो पहले आओ, आओ बाला। प्रिया वहाँ कुछ नहीं है प्रिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों इतना डर रही हो प्रिया? तुम्हें क्या सच में वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा? एक बड़ा सा सांप है। सांप? सफेद रंग का। डर गए ना? हमेशा तुम ही मुझे डराते रहते थे ना, तो इस बार मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया। मजाक किया था? मैं तो सोच रहा था वहाँ सच में कुछ है। जब तुम मजाक करते तो मैं भी डर जाती हूँ ऐसे ही। चलो जाओ। मुझे भी सांप दिख रहा है। कहाँ? मैंने तो मजाक किया था, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी तरह मुझ में भी कई बदलाव आए थे, वो जानकर ही तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर चले गए। बाला ऐसा नहीं है। वो तो मैं जानती ही हूँ, माँ की बातें नहीं मानोगी? तुम मेरे साथ रहो, इससे मैं तुम्हें। प्रिया, प्रिया, प्रिया मुझे देखो। प्रिया, प्रिया देखो मुझे। प्रिया तुम बहुत गहरी नींद में हो। उसकी बातें मत मानो प्रिया। प्रिया तुम नींद में हो प्रिया। ये सपना नहीं है प्रिया। तुम्हें यही आना है प्रिया। सुनो, यही आना है प्रिया। प्रिया तुम मुझे सुन रही हो? प्रिया, प्रिया, प्रिया उठो। प्रिया यहाँ देखो। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें बहुत परेशानी होगी। प्रिया, प्रिया देखो मुझे। प्रिया अपनी आंखें खोलो। प्रिया देखो मेरी तरफ। बाला, हम यहाँ कैसे आए? कुछ नहीं हुआ है, चलो घर चलते हैं। नहीं, हम यहाँ कैसे, कब आए यहाँ?
प्रिया देखो यहाँ बात मत करो, घर जाकर बात करते हैं। चलो। अचानक नींद से उठकर देखा तो तुम मुझे नहीं दिखी, और जब मैं ढूंढने निकला तो तुम अकेले बात करती हुई जा रही थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलने लगा, तुम अपने कपड़ों को तो देखो, सीधे बेड से उठकर आ गई हो। भाला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, प्रॉमिस करो। प्रिया, प्रॉमिस करोगे या नहीं? प्रॉमिस। स्टोर रूम का कबर्ड कुछ दिनों से बंद है, जानते हो क्यों बंद है? चोरी करते पकड़ी गई थी और अगले दिन उसी शॉप से जाकर दूसरी लिपस्टिक चोरी की। इस रंग को देख लूं तो उसे अपना बना लूं ऐसा लगता है। ये सब कब से हो रहा है? मेरे साथ क्या कब से हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। अचानक होश आता है तो मैं किसी नई जगह पर होती हूँ, मैं वहां कैसे पहुंची ये नहीं पता। उस दिन सच में मैंने वहां पर सांप देखा था, मुझे दिखा था लेकिन तुम्हें नहीं दिखा। मुझे सुनाई देता है लेकिन बाकियों को सुनाई नहीं देता। मेरी माँ की तरह मैं भी पागल हो रही हूँ। प्रिया, प्रिया तुम रो मत। प्रिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ए, प्रिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम अपनी माँ के बारे में सोच रही हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत कंफ्यूज हो चुकी हो, कुछ नहीं हुआ है। तुम मुझे झूठ बोलोगे तो मुझे पता चलेगा। कुछ दिनों से तुम मुझे नोटिस भी कर रहे हो पर मुझे डर था तुमसे कहूंगी तो तुम छोड़ दोगे मुझे। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? प्रिया, तुम्हें याद है ना जिस दिन हम दोनों पहली बार मिले थे, वो दिन याद है ना प्रिया? उस दिन बहुत से बादल आ गए थे जैसे बारिश होने वाली हो, लेकिन बारिश नहीं हुई, बस हवा चल रही थी। और तब कुछ तो मेरे ऊपर गिरा था, अगर वो नहीं गिरता तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता। और जब गौर से देखा तो तुम खड़ी थी। एक मिनट के लिए मैं ऐसे ही खड़ा रहा, पहली नजर का प्यार। तब तक मुझे उस पर भरोसा ही नहीं था। तुमसे पहले भी मिलकर बात कर चुका हूं, वैसा एहसास। उस हवा और बादलों के बीच तुम मुझे एक परी जैसी लगी, उसे मैं भूल नहीं सकता। मेरे दिल में समंदर की लहर उठी थी। उस समय तुमसे बात करने आया तो कैसा लग रहा था पता है? कैसे एक लड़की को देखते ही प्यार का इजहार कर दूं? मेरी एक आशा थी कि तुम्हें भी तब वैसा ही लगा होगा। वापस जाने के बारे में सोचा था, तब तुम्हारे कदमों की आहट हुई, तुम भी मुझे देखने चली आई थी। तुम्हें देखकर
कई दिनों से जिसे ढूंढ रहा था वो चीज मिल गई हो ऐसा लगा था। मुझे तुम्हारी आंखों में दिखा था, तब तुम्हें भी ऐसा ही लगा होगा सोचकर। तुम्हें छूने का मन किया, तुमने खुद अपना हाथ बढ़ाया। जिस समय मैंने तुम्हें छुआ था उस पल मैं सब कुछ समझ गया था, और तब मैंने फैसला किया कि तुम्हें अपनी बाहों में भरकर देखता रहूं। तब मैंने फैसला किया कि तुमसे दूर एक पल के लिए भी नहीं जाऊंगा।
प्रिया। वहां क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ, इस दुनिया में खुश रह सकते हैं। वहां तुम्हारा कौन है? यहां आओ प्रिया, तुम अपनी माँ के साथ खुश रह सकती हो। आओ आओ, इस खिड़की को पार करके आ जाओ प्रिया, तुम आखिर तक यहीं पर खुश रहोगी। आओ आओ प्रिया, प्रिया आ जाओ प्रिया, आओ। नहीं, ये सच नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। मेरे लिए बाला है, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती। मुझे मेरी माँ नहीं चाहिए। प्रिया, प्रिया, प्रिया दरवाजा खोलो। प्रिया, प्रिया, प्रिया क्या हुआ? प्रिया, प्रिया, वहां पर क्या है? प्रिया, प्रिया, प्रिया मुझे देखो ना। प्रिया क्या हुआ? प्रिया ऐसे क्यों बैठी हुई हो? ए, ये क्या है? खून निकल रहा है। बड़ा डर क्या होता है तुम्हें पता है? मेरे मरने के बाद ये दुनिया तो मुझे जलाकर चली जाएगी। तुम अपने पापा की बताई लड़की से शादी करके खुश रहोगे और सब मुझे भूल जाएंगे। मैं तुम्हें भूल जाऊंगा ये सोच रही हो? तुम किसी और से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। थैंक्स प्रिया, थैंक्स। अरे बाप रे, ये तो आ गया। अरे यार, गया, सब गया, ये आ गया। सोचो सोचो अब क्या करेगा बाला, सोचो अब क्या होगा। कुछ तो करना ही होगा, कुछ तो करना होगा। क्या हुआ? प्रिया, प्रिया अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। प्लीज मेरी कुछ हेल्प करो प्रिया। मैं जाकर छुप जाता हूँ, उसने पूछा तो नहीं कह देना, ठीक है ना? ठीक है ना? कौन आया है, क्यों छुप रहे हो? वो कहने का, वो सब बताने का भी टाइम नहीं है। तुम जाकर दरवाजा खोलो, मैं छुप जाता हूँ। इसे पकड़ो। प्रिया, हाँ? प्रिया क्या कर रही हो? हाँ? प्रिया अंदर, अंदर कोई है?
प्रिया कोई भी तो नहीं है यहां पर। प्रिया प्रिया किसे देख रही हो? कोई भी तो नहीं है यहां। प्रिया उठो, उठो प्रिया, प्रिया आंखें खोलो, प्रिया, प्रिया, क्या हुआ प्रिया, प्रिया, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो प्रिया? माला, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। प्रिया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम डरो मत। नहीं कहीं मत जाना बाला। मैं तो तुम्हारा ही फोन उठा रहा था। नहीं कहीं मत जाओ। ठीक है तुम खुद ही उठाओ। हेलो प्रिया, मैंने बात तो कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और डरने की भी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में पिक। प्रिया प्रिया कौन हो तुम? मैं हूँ प्रिया, बाला। ए, वो नहीं है, मैं हूँ बाला। मैं भी बाला ही हूँ। बाला मैं हूँ तुम्हारा प्यार। डर गई ना? जब देखो हमेशा भय भय करके डराती रहती थी ना, इसलिए अब मैंने डरा दिया। बहुत बड़ा जंगल था, मैं चलती जा रही थी, बहुत सारी लेडीज थी, हाँ सब फॉरेनर्स थी, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। मैं अकेली बोले जा रही हूँ। वहाँ खड़े मत रहो, यहाँ आ जाओ बाला। वहाँ खड़े मत रहो, कह रही हूँ ना। एक के साथ रहने के बजाय हम सभी के साथ रह सकती हो, मजा आएगा। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना बाला, मेरे साथ ही रहो बाला। मुझे तुम्हारे पापा से मिलना चाहिए था, सॉरी सिक्योरिटी वाले से झगड़ा नहीं करना था, मैंने तो बस मजाक किया था, अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हैप्पी बर्थडे। अरे कुछ नहीं है, तो ठीक है। मारो मारो मारो। हाय हाय, मुझसे ही बात कर रहे हो ना? हाँ भाई, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। हम अक्सर ऐसे मिल ही जाते हैं ना, मेरा पीछा कर रहे हो क्या? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? वो क्या है, मेरे पापा ऐसी हरकतें अक्सर करते रहते हैं, इसलिए पूछ लिया। तुम्हारे पापा लॉयर है ना? हाँ मेरे पापा लॉयर है, ये आपको कैसे पता? तुम्हें तो उस दिन शॉप पे बताया था। उस दिन मैंने ये सब नहीं कहा था। अच्छी तरह सोच कर देखो, तुमने ही कहा था। नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा सर। हाँ सुन, कौन है सर आप और इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ? था। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तुम इस ऑटो में बैठोगे, मुझे क्या पता था? मुझे इस को इंसिडेंट में भरोसा नहीं है। हम ऐसे अक्सर मिलते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। कैसी वजह? पता नहीं, आपका घर आ गया, हम दोबारा मिलेंगे। बाय, सी यू। बाला बाय। प्रिया
प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया, प्रिया ये क्या हुआ है तुम्हें? प्रिया, प्रिया इस तरह यहाँ पर तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम मुझे छू नहीं सकते। लगता है फ्यूज चला गया है, मैं जाकर टॉर्च लेकर आती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इस घर में भूत जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, फिर अचानक से वो साड़ी, सिंदूर और अंगूठी कहाँ से आ गई? वो सब जो तुम्हारे घर पे काम करते हैं उनका हो सकता है। मेरे घर? अरे नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड के अलावा और कोई नहीं रहता। अगर फिर भी कोई शक हो तो मंदिर के पुजारी से कह के पीतल की प्लेट मांगना, वो पूजा करके प्लेट तुम्हें दे देंगे, उसे लेकर घर के सामने गाड़ देना, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं उस प्लेट को लाकर गाड़ दूंगी तो कोई भूत नहीं आएगा ना? कौवा भी आने से डरेगा। इस घर में भूत प्रेत नहीं है, यही कह रहे हो ना? हाँ, यही मेरे हस्बैंड हैं। ओह, नमस्ते सर। वहाँ जाके सब कुछ छू के देखा और ढूंढा भी, तो तुम्हें कैसे पता कि इस घर में भूत नहीं है? इस दुनिया में हर चीज़ का उससे जुड़ी कुछ यादें होती हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़। उसे किसने बनाया, किसने यूज़ किया या किसने तोड़ा, ये बातें मैं छूकर बता सकता हूँ। अच्छा, और उसके अलावा? आपने सुना होगा कि बिल्लियों और कुत्तों को भूत दिखाई देते हैं, उसी तरह मुझे भी आत्माएं दिखाई देती हैं। तुम इंसान की पैदाइश हो या किसी जानवर की? ये क्या कह रहे हैं? तुम पागलों जैसी बात मत करो। तुम जैसे इंसानों को देखकर ही इन जैसे लोग उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे लोगों को तो बीच सड़क पे खड़ा करके पत्थर से मारना चाहिए। भगवान है और वो तुम्हारी जिंदगी बना देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहकर तुम मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम कैसे ऐसे काम की कमाई खा पाते हो? इस बारे में मंदिर में जाकर पूछा तो उन्होंने इन्हीं के बारे में बताया। बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ भगवान है ही नहीं, और तू मंदिर की बात कर रही है। इसे पैसे दे के रफा दफा कर। आपको क्यों भगवान पे विश्वास नहीं है, क्या मैं जान सकता हूँ? तुम ये कैसे कह सकते हो कि भगवान है? इस दुनिया को देखो, जितने अन्याय हो रहे हैं उसे देखो, तुम्हें लगता है भगवान है? अगर हम गलती करें कोई पूछने वाला नहीं है। भगवान पे भरोसा ना करके अन्याय करने वालों के वजह से ही ये दुनिया ऐसी है। ए, तुम मुझे गलत बोल रहे हो। गलत करो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए आप अपनी वाइफ के गैरहाजिरी में घर पे अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की को लाकर एंजॉय करते हैं। सही कहा ना? और वो बाल आपके असिस्टेंट जूली का है, और अंगूठी आपकी ऑफिस असिस्टेंट राम्या का। नाइस एंड टॉल, दिस टॉल, वेरी गुड लुकिंग गर्ल। हाँ, बोलना भूल गया, ये टेबल इसलिए टूट गया क्योंकि आप और आपकी साली इस पे एक साथ बैठ गए थे, और वो बेचारी इन सब से अनजान आपकी वाइफ बाल और अंगूठी देकर घर में भूत है समझ बैठी। चुंगम, ओके सर। आप मेरे हस्बैंड की बातों का बुरा मत मानिए, ये थोड़ा तीखा जरूर बोलते लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं।
अरे मैंने इनकी किसी बात का बुरा नहीं माना। ये लीजिए। थैंक यू। चलता हूँ सर, चलता हूँ। जाती हूँ, मेरा वहां कोई नहीं है, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। इन सब की तरह मैं भी यही रहना चाहती हूँ। क्यों नहीं, दुनिया के बारे में कह रही थी ना, बताओ मुझे वो कैसी दुनिया है और कहाँ है। तुम्हारी माँ वहां पर है, वो बुलाती है, ऐसा कह रही थी ना, लेकिन तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? बोलो प्रिया। बाला, ये तुम्हारी जिंदगी है बेटा, कोई मजाक नहीं। पापा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता पापा, उसका सब कुछ मैं ही हूं, उसकी जिंदगी का सहारा हूं मैं। अगर उसे छोड़ दूंगा तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, क्या अब भी तुम पिंक कलर को देखती हो तो कुछ होता है? ऊपर देखो, पिंक लाइट, उसे देखकर तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? एक पति के नाते, एक सोशल वर्कर के नाते, एक इंसान के नाते भी मैं हार जाऊंगा पापा। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा प्रिया, से समथिंग। प्रिया यहां देखो, तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ वो अलग बात थी, तुम्हारे साथ ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। ट्रस्ट मी प्रिया, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। एक बेटे की तरह तुम कब के हार चुके हो बेटा। पापा, पापा रुकिए, पापा। Thank you.
आंटी क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? प्रिया वो ऊपर। आंटी आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर चल रही थी, ये सब आप क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ बाला, मैंने देखा वो कुछ अलग ही है। देखो इस मैटर में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। प्लीज बाला उसे यहाँ से ले जाओ। आंटी नो बाला, आई एम रियली सॉरी। वो कोई और ही है, कोई और ही है। सच बोल रहा हूँ प्रिया, इधर देखो प्रिया, प्रिया प्लीज प्रिया मेरी तरफ देखो प्रिया, प्रिया ब्रेक, प्रिया से कोशिश कर रहा है। गाड़ी का दरवाजा कोशिश कर रहे हैं। कितने देर से लगे हुए हैं? देखते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? दिखने रहा क्या? मैं हूँ लैर राघवन, मुझे आपने फोन किया था सर। हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ सर? ये आपकी गाड़ी है ना? गाड़ी तो मेरी है लेकिन हुआ क्या? ये आपने कार दी किसको थी? मेरा बेटा ही चलाता है आजकल। क्यों हुआ क्या सर? थोड़ा वेट कीजिए आप। सर प्लीज लेट मी इनसाइड, हुआ क्या मुझे देखना है। अरे नहीं जा सकते आप, वेट कीजिए, काम चल रहा है। ए चलो सब पीछे हटो, पीछे हटो, यहाँ कोई मूवी चल रही है क्या? चलो पीछे हटो। जाने दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए। हर काम का एक प्रोसीजर होता है, आप भी लॉयर हैं समझिए। मैं एक लॉयर हूँ, फिर भी एक बाप भी हूँ सर, बाप भी हूँ सर। मैं प्लीज जाने दीजिए सर। सर आप आगे नहीं जा सकते, रुक जाइए सर। सर जाने दीजिए सर, सर प्लीज सर। आपका बेटा जिंदा है। कोई क्या कर सकता है?
गुड मॉर्निंग. नमस्ते सर. हे हेनरिया, आ गई तुम. मैंने ध्यान ही नहीं दिया. गिव मी योर हैंड. क्या हुआ तुम्हें? उदास से लग रहे हो. नथिंग एंड्रिया. कुछ दिनों से तुम सोच में डूबे हुए हो. मुझे कुछ बताते नहीं. क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हे एंड्रिया, एंड्रिया, एंड्रिया. ओके, बताता हूँ. कुछ दिनों से कुछ बातें हैं जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ. आज भी मैंने कुछ ऐसा ही अजीब महसूस किया. उसे छूने के बाद मुझसे कुछ महसूस ही नहीं किया गया. आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. लगता है जल्दी ही कुछ बड़ी घटना घटने वाली है. अच्छी या बुरी? मुझे नहीं पता. हाय सोलोमन. हाय फादर, हाउ आर यू? अपनी वाइफ से बातें कर रहे हो क्या? हाँ फादर, एंड्रिया से ही बात कर रहा हूँ. हाँ ओके. एंड्रिया आपको हाय बोल रही है. फादर हाय. ओके ओके, कैरी ऑन. थैंक्स फादर, बाय. यू सी एंड्रिया, मैंने जो कुछ भी कहा उसे लेकर टेंशन मत लेना. वो कोई बड़ी बात नहीं है. ओके. बाला, बैठो बैठो बैठो, प्लीज लेट जाओ. स्ट्रेन मत लो प्लीज. क्या हुआ था पापा? मुझे ये घाव कैसे लगा? वो सब बाद में बताऊंगा. पहले तुम रेस्ट करो, मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ. पापा, ये सब कैसे हुआ? प्रिया कहाँ है पापा? प्रिया कहाँ है? बाला, तुम मेरी कार ले गए थे. वो एक ट्रक से टकरा गई थी बेटा. एक बड़ा एक्सीडेंट था. पुलिस के फोन करने पर मैं वहां पहुंचा था. वहां जाकर देखा तो तुम्हारी कार चूर चूर हो गई थी. लेकिन कहते हैं ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं. प्रिया, प्रिया प्लीज. प्रिया, प्रिया वहां नहीं थी बेटा. प्रिया, प्रिया तो कार में मेरे साथ ही थी पापा. नहीं बेटा, वहां पे लोगों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही देखा था. बट वो सब रहने दो, तुम अभी लेट जाओ. प्लीज लेट जा बाला. बाला, क्या हुआ बेटा? क्या सोच रहे हो तुम? कार की चाबी दीजिए पापा. कार की चाबी? लेकिन क्यों? प्लीज पापा, कार की चाबी दीजिए मुझे. बाला, दिस इज रिडिकुलस. तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर का कहना है. और तुम कार की चाबी मांग रहे हो? तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, वो तुम्हें देखने भी आई? तुम्हारे साथ क्या हुआ पूछा उसने? लेकिन तुम इतनी तकलीफ के बाद ये प्रिया प्रिया चिल्ला रहे हो. अब ये पागलपन नहीं है तो और क्या? चाबी दोगे या नहीं मुझे? पापा, प्लीज पापा. पापा, प्लीज पापा. मैंने उसे मार दिया.
मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मैंने निकाल दिया। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था, लेकिन वो बच गया। कैसे बच गया मुझे नहीं पता। अब हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। अब तुम ही बताओ मुझे आगे क्या करना है। वो प्रिया को ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा। मेरी प्रिया कहां है? सोचा था वो वहीं मर जाएगा। तुम दूसरे शरीर में हो। तो क्या हुआ? और इस शरीर को वरदान प्राप्त है। तुम भले ही शरीर में हो, लेकिन इस शरीर पर उसका ज्यादा अधिकार है, तो तुम्हें उससे नहीं उलझना है। क्या वो मुझसे भी ज्यादा बलशाली है? वो दोनों इस जन्म से पहले 7 जन्मों से पति पत्नी रह चुके हैं। उन दोनों का जन्मों जन्म का नाता है। हर जन्म में उनका ये बंधन उन्हें वरदान में मिलता है, इसलिए वो हर जन्म में मिल जाते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? जब ऐसी 2 जानें मिली हुई हों, तो उनकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। उसे आंकने की कोशिश मत करना। मैं उसके सिर को अलग करके उसको जान से मार दूंगी, तब पता चलेगा मैं कौन हूँ। तुम यहाँ किस काम से आई हो उसे मत भूलो। उसको मारने नहीं, तुम यहाँ जिस काम के लिए आई हो वो काम करो। क्या करना है वो तुम मुझे मत बताओ। पहले भी जब वो अपनी माँ के पेट में थी तब भी उसे मारना चाहा, लेकिन वो नहीं मर पाई। अगर इस बार तुम हार गई तो मुझे खुद सामने आना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाऊंगी? तुम्हें और इस दुनिया को मैं कल दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। सर सीसीटीवी पर एक बार चेक कर लेंगे तो मिल जाएंगे सर। सीसीटीवी कंपनी यूज के लिए है सर, कस्टमर को दिखाने के लिए नहीं। सिक्योरिटी हेल्प कर दीजिए सर। सिक्योरिटी को मत बुलाइए प्लीज सर, मेरी हेल्प कीजिए ना। वो लिपस्टिक चुराने वाली आपकी पत्नी है ना सर? वो उस दिन तो गलती से हो गया सर। उस दिन आप साथ में आए थे सर, उसके बाद वो लिपस्टिक स्पून कई चीजें चुरा कर ले गई। आपको पता भी है कितनी बार उनको मैंने बाहर भगाया। लगता है वो पागल हो चुकी है, उन्हें पागल खाने ले जाइए। सर देखिए सर, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, आपकी बीवी चोर है। कॉलर छोड़िए, बाहर भगाओ, बाहर भगाओ इन्हें। चलो बाहर जाइए सर, बात तो सुनिए सर, बाहर जाइए, बाहर जाइए सर, मेरी बात तो सुनिए सर। जाओ यहाँ से। से गलती हो गई, प्लीज बुरा मत मानना सर। छोड़ो यार, थोड़ी मदद कर दीजिए सर, मेरी वाइफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। आपकी शॉप पर ही अक्सर आते रहते हैं,
एक बार देखिए, शायद पहचान जाओ। मुझे नहीं पता। देखिए ना सर, चौकोर चश्मा पहन कर आते हैं। अरे मुझे नहीं पता यार। प्लीज सर, उनकी हाइट मेरी जितनी होगी। हमेशा डार्क शर्ट ही पहनते हैं सर। एक बार देख लीजिए ना सर, एक बार देख लीजिए ना प्लीज सर, एक बार देख लीजिए ना। कितनी बार बोला सर, जरा देख लीजिए ना सर, एक बार सर प्लीज सर देख लीजिए। अरे कहाँ ना जाओ, अरे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? सर मैं आपको परेशान क्यों करूंगा? तो फिर जाना भाई यहाँ से। सर थोड़ा देख तो लीजिए। एक बार क्या नहीं का ही इस्तेमाल करें। को मैं कल दिखाऊंगी कि मैं कौन हूं। क्या हो रहा है?
अचानक से मौसम साफ कैसे हो गया? सब सब ठीक होगा। दीदी यहाँ पर क्या कर रही हो? देखा आपने, सूरज फिर से बदल गया, पूरा आसमान रेड हो गया था, आपने देखा ना? घर पर कोई भी नहीं है, बाला कहाँ है? दीदी क्या हुआ आपको, आपकी आंखों का रंग हरा क्यों है? बाला बाहर गया है, तुम लोग मेरे साथ खेलोगे? क्या क्या खेलेंगे दीदी? फेंकने वाला गेम खेलते हैं। बॉल ही नहीं है तो किसे फेंक कर खेलेंगे? अंदर है। वेट या वेट। सामने मत बैठो तुम। कौन हो तुम? मैं जानती हूं तुम मुझे देख सकते हो, चश्मा उतारो अपना। तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद जान लेता हूं।
चश्मा उतारो। अब पहचाना मैं कौन हूं? वास्तव में ये दुनिया कैसे शुरू हुई पता है? शुरुआत में कुछ भी नहीं था ईश्वर के अलावा। ईश्वर ने इस दुनिया को बनाने की सोची, पहले रोशनी बनाई और रोशनी को दिन और रात दो भागों में बांट दिया और दूसरे दिन आसमान बनाया। उसके बाद जानवर, पेड़ पौधे जैसे कई जीव बनाए। इतना सब बनाने के बाद भी ईश्वर संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए सबसे बढ़कर अपनी छवि की भांति हाड़ मांस हृदय डालकर एक पुरुष बनाया। वो था आदम। वो जहाँ रहने लगा वहाँ सात जानवर भी रहते थे। उसकी तन्हाई को देखकर जैसे ईश्वर ने उसे बनाया, उसी तरह हाड़ मांस हड्डी और हृदय मिलाकर एक स्त्री को बनाया। वो थी लिलिथ, इस दुनिया की पहली स्त्री। जो काम उसे पसंद था सिर्फ वही करती थी। लिलिथ हमेशा स्वतंत्र रहती थी। उसकी आशाएं अद्भुत थीं, जरूरतें भी विचित्र थीं। हमेशा स्वतंत्र रहने का सोचती थी, किसी से नियंत्रित नहीं हो पाती, हमेशा तन्हा रहा करती थी। इसलिए आदम के बताए कामों को वो इनकार कर देती थी। इसलिए दोनों में झगड़े शुरू हो गए। ईश्वर ने दोनों को एक जैसा बनाया था, तो फिर तुम्हारे बताए कामों को मैं क्यों करूं? ये लिलिथ ने कहा। दिन गुजरते गए और झगड़े बढ़ते गए। एक समय पर इसने हिंसात्मक रूप ले लिया। दोनों की गलतियों को बताकर ईश्वर ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन लिलिथ ने मानने से इनकार कर दिया। उनकी बात को नहीं माना, इससे उन्हें भी क्रोध आ गया और कहा, अगर बात न मानोगी तो मैं तुम्हें शराब दे दूंगा कि तुम्हारी जितनी भी संतानें पैदा होंगी वो सब मर जाएंगी। उस समय शराब को गंभीरता से न लेते हुए ईश्वर को ही ठुकरा कर चली गई, अपनी इच्छा से जीने लगी। ईश्वर, एक स्त्री हमेशा एक मर्द का आधा बनकर ही रहेगी सोचकर आदम की आखिरी मुख्य स्त्री को लेकर एक और स्त्री बनाई। वो थी हव्वा। सब कुछ छोड़कर गई लिलिथ, अपनी इच्छा से जीने लगी। उस यात्रा में वो शैतान के पास जा पहुंची। कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई, लेकिन ईश्वर के शराब की वजह से उसकी संतान मरी हुई पैदा हुई। उसके बाद भी सारी पैदा हुई संतानें मरी ही पैदा हुई। कई सालों बाद भी ईश्वर ने उसको जो शराब दिया था वो बदला नहीं। आखिर में लिलिथ बिना माँ बने ही मर गई। ईश्वर की करुणा आखिर तक उस पर पड़ी ही नहीं। ये सब आप क्या बोल रहे हो लिलिथ? इतिहास में ऐसा कुछ है ही नहीं। इन सब पर मैं विश्वास कैसे करूं? उसकी बजाय आप हमसे ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने गलती की है। हमसे ज्यादा आपकी आंखें सच्चाई देख सकती हैं। तो फिर आप ऐसी बातों को सुनकर सच कैसे मान सकते हैं? अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो मुझे पता है आप सब इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मैंने सब कुछ देखा है। I have seen it। जब उसने मुझे छुआ तब, इस दुनिया की शुरुआत से अब तक जो कुछ भी वो सारी बातें मैंने देखी। मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, और तब जो ना देखा वो थी अपनी पृथ्वी, और इतिहास दिखाकर परिचय कराया है। You understand? मैंने सुना है कि ईश्वर ने सबसे पहले उसे ही बनाया था। कुछ पुस्तकों में उसके बारे में ऐसा लिखा है। मैंने लिलिथ को देखा है, उसके गुस्से को देखा है। I have seen her father। वो वापस आ चुकी है। ये बात सबको पता चल जाए इसलिए मुझे जिंदा छोड़ा है। अब तक उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, मानो उसकी आत्मा चल रही हो। दूसरे खुश रहे वो उसे देखा नहीं जाता। उस खुशी को बर्बाद करके भगवान से बदला लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो भी स्त्री गर्भवती होती है उसे पकड़कर उन्हें परेशान करके हम सभी के साथ रह सकती हो।
उनके आसपास रहने वाले लोगों को अलग करके उनके शरीर में घुसकर बच्चे को मार देती है। अभी तक उसने मारे सभी बच्चों को मैंने देखा। कुछ जिद्दी आत्माएं उसकी दुनिया में जगह ले लेती हैं। अगर उस दुनिया में चले गए तो वो कौन है, कहां पर थे, ये सभी यादें भूल जाते हैं। बस बिना याददाश्त के आखिर तक वहीं रह जाते हैं। प्रिया उस दुनिया से होकर आ चुकी है और फिर वहीं रह गई है। बाकियों की तरह उसे भी कुछ याद नहीं है। वो दुनिया एक सपने जैसी लगती है, लेकिन सच है अभी प्रिया की आत्मा वहीं पर है। उसकी माँ के साथ भी यही हुआ था, लेकिन प्रिया उसके बाद भी पैदा हो गई। लेकिन अभी लिलिथ प्रिया के शरीर में ही है और उसका लक्ष्य है कि प्रिया के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे मार डाले। प्रिया प्रेग्नेंट नहीं है सर। क्या प्रेग्नेंट नहीं है? वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि वो खुद बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा हुई थी, इसलिए उसके गर्भ थैली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी सर। वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती सर, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो फिर वो प्रिया के शरीर में क्यों है? वो जरूर किसी उद्देश्य से यहाँ आई हुई है। उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है, यहाँ के लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक उपाय है, एक स्पेशल टीम है, अगर वो यहाँ आ गई तो हम उसे रोक सकते हैं। सर प्रिया ऐसे नहीं जाने देंगे बाला। अगर दुनिया में कुछ बुरा होता है तो जरूर अच्छा भी होता है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। दिन उस पर लिलिथ हावी हुई थी उसी दिन से प्रिया मर चुकी है। हम लिलिथ को अगर भगा भी दे तो प्रिया का शरीर ही मिलेगा। वी शुड नॉट टेल हिम। वो टीम आ गई क्या सर? हाँ वो बस थोड़ी देर में आ जाएगी, 5 मिनट्स। अचानक आप दिखने में ब्राइट लग रहे हो। प्रेयर करने के बाद प्रिया जरूर मिल जाएगी ऐसा विश्वास जगा है। लगता है जैसे ईश्वर ने खुद ही जवाब दिया हो। मैं वो महसूस कर सकता हूँ। इसे साथ में रखने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं सर, चाहे कोई भी भगवान बचा ले उससे क्या, सारे भगवान सही बात तो बताते हैं। हम जैसे पृथ्वीवासियों को शिव विष्णु जीसस जैसे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे देखने पर हम सब एक ही तो दिखते हैं। मैंने कुछ गलत कहा क्या सर? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, हम प्रे कर रहे थे और तुम उसी बीच आ गए। ठीक है मैं बाहर वेट करता हूँ, आप प्रे खत्म करके आ जाइए।
ऊपर चलना होगा, जल्दी आओ। I'll meet you upstairs. Okay, we'll meet upstairs. Bala, आओ जल्दी आओ। Peter, you will recite the New Testament Psalms passage, and John, be ready with the pipe and holy water, and make sure to load the pistol. से मुझे रोका जा सकता है? मैं तुम्हारे भगवान से पहले पैदा हुई थी। यहाँ क्या हो रहा है सर? Just wait. सर ये सब क्या हो रहा है? बोलिए ना सर। बालक सर। Solomon, where is she? सर, बालक सर। Carl, beside you. सर सर क्या हो रहा है सर? उसी दिन मर चुकी थी। उसे उस जगह से बाहर निकाल कर नहीं ला सकते। I'm sorry. बाला मेरी बात सुनो, हम यहां रहकर उसका कुछ नहीं कर सकते। आओ बाला बाहर चलो। बाला
आ बला सर। उसका शरीर जब तक है तब तक वो यहीं रहेगी, इसलिए प्रिया के शरीर को खत्म कर दो, हम उसे भगा सकते हैं। We will finish. सर, सर, I'm sorry बाला, I'm sorry. सोलोमन। मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था, पर मैंने जिंदा छोड़ दिया। जिंदा छोड़ दिया था? तो उस दिन मार दिया होता ना, किस तरह का था तुम्हें? I'm ready to die. हम तुम्हें देखकर डर गए, ऐसा सोच रही हो क्या? और खून रोकने के लिए ही ऊपर आया था। लेलेथ, I'm challenging you. If you have guts, come. I said come. You don't have guts. You don't have guts. I said come. Come. आ जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। भगवान के लिए बंद करो। तुम मेरी प्रिया के शरीर में घुसकर ये सब मत करो। तुम जहां से आई हो वहां चली जाओ। आज के ही दिन का तो मुझे इंतजार था। उसने कहा था कि तुम्हें ना छूं। मैं अपने हाथों से ही तुम्हें। बादल हो गए थे जैसे बारिश होने वाली हो, लेकिन बारिश नहीं हुई, बस हवा चल रही थी। और तब कुछ तो मेरे ऊपर गिरा था, अगर वो नहीं गिरता तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता। गौर से देखा तो तुम खड़ी दिखी। मैं एक मिनट के लिए ऐसे ही खड़ा रहा, पहली नजर का प्यार, तब तक मुझे उस पर भरोसा ही नहीं था। तुमसे पहले भी मिलकर बात कर चुका हूँ, वैसा एहसास। वो दोनों इस जन्म से पहले 7 जन्मों से पति पत्नी रह चुके हैं। उन दोनों का जन्म जन्म का नाता है। हर जन्म में उनका ये बंधन उन्हें वरदान में मिलता है, इसलिए वो हर जन्म में मिल जाते हैं, और ये बात वो खुद नहीं जानते। उस पल मेरे अंदर समंदर की लहर सी उठ गई थी। क्या हो रहा था मुझे खुद ही नहीं पता था। तुम्हें देखकर मुझे कैसा लगा ये तुम्हें बताना चाहता था। तुमसे मिलने के लिए मैं दौड़ता हुआ चला आया। तुम्हें देखने के चक्कर में मैं ऊपर चढ़ाया। कैसे एक लड़की को देखते ही मैं प्यार का इजहार कर दूं? मेरी एक आशा थी कि तुम्हें भी तब वैसा ही लगा होगा। मैंने वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन मैं जा नहीं पाया। बस तुमसे मिलने की चाहत थी। मेरी जिंदगी में शुरू हुई एक नई कहानी बाला। मेरी जिंदगी का मतलब, कहाँ थे इतने दिन? हजारों जन्म हाजिर है मेरे तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी आंखों में दिखा था, मुझसे मिलकर तुम्हें भी ऐसा ही लगा है। तुम्हारी आंखों में मैंने खुद को देखा, अपने भविष्य को देखा, हजारों सूरज हो जैसे। उन्हें पाने की मुझे चाहत थी। मुझे तुम्हें छूने का मन किया, तुमने खुद ही अपना हाथ बढ़ाया। जब ऐसी दो जाने मिली हुई हों, तो उनकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उसे आंकने की कोशिश मत करना। Thank you.
प्रिया, प्रिया। प्रिया, प्रिया क्या हुआ? प्रिया बोलो, प्रिया क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया, ठीक हूँ मैं। सर, सर ये सब क्या हुआ था? सर वो अभी भी यही है क्या? सर कुछ तो बोलिए ना सर। तुम प्रेग्नेंट हो? आप क्या कह रहे हो? तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मुझे एक रोशनी दिखाई दी थी, कानों में कुछ आवाज आई थी। कैसी आवाज? मेरे बच्चे को अपनी तरह बनाना। वो किसकी आवाज थी ये मैं समझता हूँ। तुम जान गए होगे कि उसने अपने पुत्र को पालने के लिए तुम दोनों को चुना है। तो फिर वो इस बच्चे को मारने यहाँ आई थी? ईश्वर से बदला लेने के लिए उसने ऐसा सब किया? हाँ बाला, जो भी हुआ वो तुमसे, मुझसे, हम सबसे बहुत परे है। हम उसे सह नहीं सकते। इस दुनिया को एक बदलाव की जरूरत है और यही बच्चा उसका बदलाव है। बाला तुम दोनों चुन कर आए हो, ये बात तुम्हारे समझ से परे हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। गॉड ब्लेस यू। दुनिया ने तुम्हें वापस मिला दिया, वरना तुम अपनी पत्नी को बचाने के लिए मुझे ढूंढते हुए नहीं आते। इट्स ऑल डिजाइन पाला। दिस इज द न्यू बिगनिंग। काम को अंजाम देना है तो वो काम खुद करो।